तो आ नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एस टी एम एल की पी यानी कि पैराडेक के बारे में ये जो सीरीज चल रही है ये सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसकी आपको कंप्लीट एस टी एम एल फाइट सिखाने वाला और आप लोगों के पास कुछ भी नहीं आता इवन यू डोंट नो हाउ टू राइट अ अड और कौन सा कोड एडिटिंग यूज करना है कोई भी हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं करने वाला लोग बड़ी सिंपल सादी लैंग्वेज तुम लोग को ये चीजें मैं तेल का नाव एक एक टाइप पर हम बड़ी ही बारीकी से रीड करेंगे क्यों इनको यूज़ करते हैं और क्यों हम ये भी यूज़ करते हैं कोई और क्यों यूज़ नहीं करते हैं सो यार बिना चीज की वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज जो हमारे पीसी स्क्रीन पर एक्चुअली पीसी के ऊपर हम कोई खास काम नहीं करने वाले जैसे कि आप लोग मेरे थंबनेल देख रहे या फिर वॉलपेपर देख सकते हो

ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं हमारे जनरल उस तक पर तो अगर आपने ये वो नहीं देखिए तो पहले वो जाकर देख लेना क्योंकि वो अगर ये तुम्हें ये समझ नहीं तो उससे पहले ये वो समझ नहीं पड़ेगी थोड़ी तो सी था बट अगर तुम्हारा थो थोड़ा सा बिगिनर शीशे पता है तो जरूरत भी नहीं है ऐसी समझ लेंगे देखो हम बात कर रहे हैं उसकी चैप्टर नंबर फोर की हमने कल हैडिंग समझाई थी कि हेडिंग ही हम क्यों यूज़ कर सकते हैं उसके जरिए हम पैराटा यूज क्यों नहीं कर सकते पहले पैराटे उस समझ लेंगे पैराटे व होता है क्या है उसको क्यों यूज़ करते हैं चैप्टर नंबर पैराग्राफ्स देखो यहाँ पे कॉलम दिया है कि पीड है पैराग्राफ इन वेब वेब पेज पेज जो कि आपने है, जो आप अपने गूगल पर ओपन करते हो जो गूगल मोबाइल पर दिखा देता है वो वेब पेज होता है कि वो वेब पर ओपन हो रहा है पेज का मतलब तो नॉर्मल पेज होता ही गया है और इसके बाद यहाँ पे दूसरा टाइप दिया है, भी है बी इंसर्ट ए लाइन सिंगल ब्रेक ठीक है इंसर्ट एंगल लाइन ब्रेक जो आप कोडिंग करोगे इसका प्रैक्टिकली जब करके देखेंगे तब पता चलेगा कि करता गया है उसके आता है प्री टेफाइंड प्री फॉर टेक्स्ट ये तो मुझे प्रैक्टिकल के दिखाने पड़ेगी चलो पहले थोड़ी से थ्योरी समझ लेते हैं कि ये चीजें काम कैसे करती है पैराग्राफर आर मोस्ट बेसिक एलिमेंट है दिस टॉपिक एक्सप्लेन दूस पैराग्राफ इन एस टी एम एल देखो पैराग्राफ जो है ना मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट बेसिक यूज होने वाले एलिमेंट है एस टी एम लैंग्वेज के और इस टॉपिक के अंदर हम यही एक्सप्लेन करेंगे कि हम पैराग्राफ का यूज क्यों करते हैं क्यों करते हैं आखिर हम पैराग्राफ का यूज अब यहाँ पे आते हैं सेक्शन नंबर पैराग्राफ बताया गया है कि एस डिफाइन अ पैराग्राफ देखो जब हम आ, कोडिंग करते टाइम एंगल ब्रैकेट्स के अंदर पी टाइप करते हैं तो उसका मतलब होता है कि अपने वेब पेज के अंदर एक पैराग्राफ डिफाइन करा जाता है मतलब एक स्पेशल आर्टिकल लिखना चाहते है स्टोरी लिखना चाहते हैं किसी कंटेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो आप तो हम पी टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ स्टेप्स ये फर्स्ट टैग है और ये मतलब स्टार्टिंग टैग है और ये क्लॉजिंग टैग है यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं उसके बाद है डिस्प्ले यू कैन एट बी शोर हाउ एस टीवन विद डिस्प्ले देखो जब मैंने इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया था कि एस टीवेल का काम है जो आपने कंटेंट दिया है लाइक ये like, यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो कंटेंट दिया है ना यहाँ से आता तक इसको जस्ट वेब पेज तक लेके जाना ये कैसे दिखाएगा ये इसका काम नहीं है ठीक है इसके बाद जस्ट उस चीज़ को दिखाती है उसका वो काम नहीं होता कि वो कैसे दिखाएगा वो कहीं भी दिखा सकती है एंड सेकेंड लाइन है लार्ज और स्मॉल स्क्रीन एंडाइज विंडो विल क्रिएट डिफरेंट रिजल्ट देखो मैं अब पी सी यूज़ कर रहा हूँ आप लोग फोन पर ही वीडियो देख रहे हो या फिर किसी के पास टैबलेट है किसी के पास लैपटॉप है और जो स्क्रीन का जो साइज है इसको रिजोल्यूशन कहते हैं ठीक है ठीके? ये छोटा बड़ा होता रहता है तो इसके हिसाब से जो विंडो छोटी बड़ी होती है उसको रिसाइज करते हैं ठीक है तो वो जो रिजल्ट होंगे वो डिफरेंट होंगे हर डिवाइस पर अलग अलग उससे आता है विद एस टी वेल यू कैन चेंज द आउटपुट बाय एडिंग सम स्पेस और लाइन इन योर अकॉर्डिंग इन योर अकॉर्ड यहाँ पे ये यही कहना चाहता है कि अगर आप लोग अपनी अकॉर्डिंग कर दे इन पैर के बीच में कुछ इस टाइप से जैसे कि पैरा है ये सेम सेंडेक्स ये वाला यहाँ पे इतना सारा स्पेस दे, दे दिया है और यहाँ पर मैं इंटरेंट तो करके इसी बीच में लाइन भी कर दू तो भी यहाँ पर

और वी एस कोड क्या है वे एस कोड जो है एडिटर पे जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ओपन चोस फ्री टाइम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिख दो एडवांस लेकर विग्न लेकर बनते सर यही कोडिंग यूज़ करते हैं देखिए यहाँ पर मैं पार्ट फोर इस एक फाइल बना लेता हूँ ठीक और यहाँ पे जो है मैं एक बॉल टैंप देता हूँ वाइंग के साथ ही प्रेस करेंगे और देखो

रिजल्ट जो यूजर को दिख रहा है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो पैराग्राफ के अंदर इस तरीके से देता है उसको जितना स्पेस दे दो इवन एंटर भी कर अकॉर्डिंग तो के अंदर देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैं यहां पर मैंने कितने सारे एंटर कर दिया और फिर भी जो रिजल्ट सेम ही है लेकिन अब देखें हम एक सेकेंड तो रिजल्ट सेम ही है अब बात आती है कि जो हमारा पी आर टैग है वो कैसे वर्क करता है जो प्री टैग है प्री डिफाइंड होता है प्री डिफाइंड का मतलब होता है कुछ चीज जो है पहले से निर्धारित की गई हैं तो अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं प्री टैग इसका स्टार्टिंग टैग टैग लेते लेते हैं हैं और 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 लास्ट एंडिंग तो अब मैं मैं हेलो देखो इसमें स्पेस भी दूंगा तो ये जो स्पेस मेरा दिया एप है ये मेरे सेंटेस का जो कंटेंट है उसके अंदर ये चीज ऑलरेडी डिफाइन है लाइक जब हम कोई कंटेंट किसी वेबसाइट से कॉपी करते हैं और उसको हमें एज ए टीज पेस्ट करना होता है तब हम जो प्री टैग का यूज करते हैं और जब मैं तीसरा टाइप पढ़ा था वहां पर बी आर

और अगर मैं, पर मैं और यहां के बाद पर देखूँ से से मुझे अब ये मैंने पी टैक का इस्तेमाल करके पर यहाँ रिप्रेजेंट किया देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते है। जब हैं जब इन बिगिनिंग लेवल होती है वो चीज सीखना शुरू करते तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके माइंड भी माइंड में डिटेल में बताना चाहता हूँ ताकि तुम लोग को वैसे ही कन्फ्यूजन ना हो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े सो आई थॉट क्या इसी वीडियो के अंदर वैसे सारे थॉट्स जितने थिंग आ रहे हैं सारे क्लियर कर दूँ सो so, यार अगर तुम्हें तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर की करिए क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्त वाली आने वाली है कि तुम्हें बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंस होने वाले तुम्हारी उनकी मैं कुछ भी बड़े पढ़ा रहा हूँ सीजे देखो जब हमने कल लास्ट वाली वीडियो बताई थी हेडिंग्स के अंदर हम हेडिंग्स हैडिंग यूज़ करते हैं और हेडिंग सही तरीके से यूज करने का मतलब क्या था यूज़ करते है हैं और हेडिंग टैग ही कंटेंट रिप्रेजेंट करने के लिए क्यों यूज करते हैं ठीक है वैसे ही जब हम गूगल पर सर्च करते हैं कोई चीज़ के हमें इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्लीट इंफॉमेशन चाहिए लाइक मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट हम देखा होगा जब तुम किसी टॉपिक पर लिखते हो किसी का नाम लिखते हो तो फर्स्ट जो कंटेंट आता है गूगल पर उस यूजर का नाम आता है जो सेकेंड लिंक होते हैं वो विकीपीडिया के होते हैं विकीपीडिया के ऊपर इतना भी कंटेंट होता है वो सारा पैराग्राफ की तरह होता है तो पैराग्राफ के इधर जितना ज्यादा कंटेंट दिखाएगी जब मैंने कहा कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए पैराग्राफ चाहिए तो जब वो सर्च करता है एस ई ओ मतलब क्या कहते हैं सरिंग वर्क करती है तो वो इंडेक्सिंग करता है की किस पेज के अंदर पैराग्राफ पर ये जो टेक्स्ट है वो कितनी बार रिटर्न है तो इस तरीके से जो है ना पैराग्राफ के अंदर एक तीजाला वर्ड लिख सकते हैं और पैराग्राफ के अंदर बहुत सी चीजें हैं सो so, अब मेरी ये बेसिक चीज़ें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे तो पैराग्राफ के लिए बस इतना ही था और मैं एक एक टैक की एक अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ ताकि तुम लोग को अच्छे से डीप तरीके से समझा पाऊँ मुझे पता जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो बहुत सारी सीधे थे मुझे नहीं समझ पाती थी कि ये ही टैक यूज़ किया या फिर ये लगाने से गलत को उठा दो क्या होगा और ये क्यों यूज़ करते हैं इसके जगह टैक भी यूज कर सकता था तो बस यार आज के इस वीडियो के लिए इतना बेबूल तुमसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर